जयपुर में अब जिंदगी धीरे धीरे शायद लगता है पटरी पर आने लगी है। लोग अपने सुरक्षित तरीके से बाहर निकल रहे हैं, दुकानें भी सब खुल चुकी है। गहनों की ज्वेलरी जिसके लिए जयपुर अब जाना जाता है, यहाँ के बारीक नक्काशी वाले आइटम के लिए जाना जाता है। इस वक्त मैं यहाँ पर इस गली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आभूषणों की आपको तमाम तरह की दुकानें मिल जाएगी, सबने अपनी दुकानें खोली है। उम्मीदों का जून महीना रहने वाला है। सर 70 दिन बंद और आज अब दुकान खुली है, थोड़ी राहत है कहीं ना कहीं? राहत तो है सर, अब दुकानें खुली है, अब किराए का है निर्भर, किराए की का चलन हो जाएगा तो राहत ही राहत है सब तरह से। सर बहुत बड़ी बात कही है, ग्राहक ही चल निकलेगा तो राहत है, लेकिन सीजन तो ऑलमोस्ट सब कुछ निकल गया सर, जिसको कहते हैं ना आखा तीज हो या कुछ और। वो तो सर सारी बात सही है, काम होने के तो सारे होने के थे, जो भगवान ने लिखी जो चलेगी नहीं किसी की, सीजन तो चल गया, उम्मीद कराना बच जाए आदमी, बस यही चाहिए सबसे बड़ी बात। देखिए ये दुकानदार हैं बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जान है तो जहान है, मतलब पहले जिंदगी सुरक्षित रहे, धंधा पानी तो फिर चलता रहेगा, क्योंकि अच्छे दिन सबके ही आने हैं। आ रहे ग्राहक आ रहे हैं आज? दुकान तो खोल दिया आपने? नहीं आज तो बिल्कुल नहीं आए। नहीं आए तो लोग चलेगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये भाई साहब, आज कितने दिन बाद दुकान खोली है आपने? आज एक इतर बेहतर दिन होंगे ना, बेहतर दिन बाद खोले। क्या लगता है कि लोग वापस आएंगे घर से बिना डरे हुए? ये थोड़ा आप कपड़ा ऊपर बांध लीजिए। हाँ आएंगे, काम धंधा तो करेंगे, काम धंधा करेंगे। डर तो लग ही रहा है लोगों को बाहर नहीं जाना। हाँ तो कैसे चलेगा काम धंधा? डर तो लग रहा है, क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा सर, डर है, काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सोने चांदी के आभूषण है, जैसे देखिए इस दुकान में ग्राहक आने भी लगे हैं। सुरक्षित तरीके से यहाँ पर मास्क पहन के सबको बुलाया जा रहा है कि मास्क पहन के आइए, अपना कामकाज किए। दुकानदार भी इसी तरह से सुरक्षित हैं। बाबू जी के पास चलता हूँ। बाबू जी आज करीब 70 दिन बाद दुकान खुली है, कितनी बड़ी राहत है आप लोगों के लिए? ये बहुत राहत मिली है, बहुत देर से मिली है, बहुत देर से मिली है। सब सभी व्यापारी परेशान थे और मिली है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत देर से मतलब जयपुर अपने ज्वेलरी के आइटम के लिए जाना जाता है। देखिए बाहर से आते हैं कुंदन वगैरह किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए, सोना चांदी, यहाँ जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा ऐसा कहा जाता है। तो अब किस तरह से उम्मीदें हैं, भविष्य किस तरह से देखते हैं आप? भविष्य में थोड़ा टाइम लगेगा अभी वापस जुड़ने में, परंतु अपना जयपुर जो गुलाबी नगर जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है, जवाहरात के लिए, झोरी के लिए और हर व्यापार के लिए थोड़ा सा जो है, तो इसलिए तरक्की कर जाएगा। सर दुकान में दुकान खोल दी आज आपने, ग्राहक भी आएंगे, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम आपने खुद ने तय कर रख रखा है? और हाथ हैंड वॉश वगैरह है और थोड़ा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। कोशिश यही रहेगी अपने पास 4-5 आदमी जाने रहे, बाकी को वेटिंग में रखेंगे। एक चीज बताइए सर, ऐसा कहते हैं गहने कोई खरीदने आता है तो सबसे पहले या तो अंगूठी खरीदेगा तो अंगूठी पहन के देखेगा 4-5 बार, नेकलेस खरीदेगा तो पहन के देखेगा, क्या अब इस तरह से इजाजत होगी या पहले कहेंगे आप भाई पहले डिजाइन पसंद कर लो बाद में देखा जाएगा? एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है कि अपन ये साइज भी देखता है आदमी, तो एक बार तो मतलब पहन के देखेगा ही देखेगा, ऐसे बिना साइज देखे तो फिर वो चेंज कराने आएगा तो वो बड़ी परेशानी। तो उसके बाद क्या सैनिटाइज किया जाएगा उस चीज को जो आगे सब? सैनिटाइजिंग नहीं हो पाती ना, सैनिटाइज होगी तो वापस ब्लैक हो जाएगी, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रहेगा रहेगा। सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो सुरक्षित तरीके से काम करना पड़ेगा। कई और दुकान वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि जयपुर अपने ज्वेलरी आइटम के लिए जाना जाता है और सबसे ज़्यादा इसी की यहाँ पर दुकानें भी हैं। भाई साहब फिर से एक बार पटरी पे लाने की कोशिश, जिंदगी को वापस से काम का शुरू पूरे तरीके से हो रहा है सर? इधर एक मिनट इधर आके आइए। हाँ सर साफ सफाई वगैरह सब नजर आ रही है सर आज बहुत दिन बाद? बस ये है आज तो ग्राहक की एंट्री नहीं है, आज तो हम लोग अपनी साफ सफाई करके अपने दुकान को व्यवस्थित रूप से जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करके हमने अपने इंस्ट्रक्शन की तैयारी करनी है, कल आज पूरी और कर लेंगे व्यवस्थित, कल से देखते हैं ग्राहक के साथ पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे, भगवान ने चाहा 2-3 महीने के अंदर गाड़ी वापस। तो मास्क पहन के नहीं आएगा क्या सामान देंगे सर? हम ग्राहक को एंट्री नहीं देंगे, फिर भी कोई ग्राहक नहीं लाता तो हम हमारे पास खुद और अरेंज करेंगे, हम उनको एंटर करने से पहले खुद मास्क देंगे, सैनिटाइज कराएंगे, कोई हैंड वॉश धोने के लिए साबुन और टंकी की व्यवस्था भी हम खुद करेंगे हमारे लिए यहाँ पे। ये देखिए ये जयपुर के व्यापारी अच्छी तरह से जानते हैं कि सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि
पैसा कमाई वगैरह तो होती रहेगी, लेकिन यदि आप सुरक्षित रहेंगे, आपके आसपास आने वाले ग्राहक सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, तो ज़िंदगी यूं ही तेज़ी से आगे बढ़ती जाएगी। तो कुल मिलाकर जयपुर के लोगों का जज्बा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे ख़रीदारी के लिए निकल रहे हैं या किसी और काम से, वे सुरक्षित निकलें, सतर्क रहें, खुद भी किसी के लिए खतरा न बने और ना ही किसी को खतरा बनने दें। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।